रुक जा। वो मिला क्या? वो अभी तक नहीं मिला। बता बता कि किधर है। लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया। क्या फायदा, पहले उसको पकड़ो, जाओ सब जगह छान मारो, ढूंढो उसको। क्या है बे? रॉकी को पकड़ लिया भाई, वो मिल गया, चलो। उनका बाप हमेशा कहता था, बेटा तूफान से कभी टकराना मत। ओए जा बे, जाकर मेरे बाप को बोल तेरे बेटे ने तूफान को ही लटका दिया। क्या रे असलम, तुम लोगों ने चेहरा ऐसे क्यों लटका रखा है? कोई मर गया क्या? भाई छोटू पुलाव लेकर आ, ऐसे क्या देख रहा है? अरे जा ना, रॉकी को पकड़ लिया है। रॉकी मिल गया, मान लेके आ जाओ। चलो चलो बम्बई। विनायक खलील की बोट हमारे बंदरगाह तक पहुंच रही है और बम्बई हमारे हाथ से निकल रही है। आज जब उनका बर्थडे है, मुझे तोहफे में उसका दिल, उसकी दोनों आंखें मांगता है। तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो? छोटू पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ, उसके साथ कांदा थोड़ा ज्यादा मार के लाना। ठीक है सर। खून की गंध पाकर सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए। 15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता ये खून उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कहा है? लटका रखा है उसको। हैप्पी बर्थडे। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहा है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे तूफान को लटकाते नहीं, ये क्या रहा है? मार उसको। तूफान से भागते हैं। बम्बई मेरी है बोलने वाले हर गली के आवारा कुत्ते आज एक साथ एक जगह फंस गए। उन सबको उस गली में दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मारेगा। साला अपन का खून भी तो ला लिया। बचपन में ही बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। इधर एक गलियों में दो वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीट आ गया। लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी और खंजर खाली काटता है। बम्बई के तेरे बाप कह के बे? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूं। मारो मारो इसको। क्यों बे, सिर्फ इतने में डर गया? उनका
उसका तो खाली बैंड बजाया था, लेकिन तेरी तो अपन पूरी बारात निकालेगा। भाग। चले चले। तरफ समुंदर है तो दूसरी तरफ रॉकी। यहां अगर मछलियों को भी किनारे आना हो तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। से आया सोना सीधे कोस्ट गार्ड की मदद से बंबई के पोर्ट्स में अनलोड हो रहा था। वहां से पुलिस सिक्योरिटी में ग्रे कलर के मार्क ट्रक्स में रॉकी को माल पहुंचने लगा। सील्ड बॉक्सेस उसके सामने ही खोले जाते थे। वो खुद उसे चेक करके अपनी निगरानी में उन्हें मालगाड़ी से बाकी जगहों पर भिजवाया करता था। रॉकी के इजाजत के बिना बंबई में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता था।
खलील के लोग हमारे धंधे में दखलंदाजी नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक है, जाने दो। वजह है रॉकी। वो तुम्हारा शूटर इतना सब कुछ कर रहा है शेट्टी के लिए या बंबई के लिए? हम आपके साथ ही हैं शेट्टी भाई, लेकिन रॉकी है इसीलिए लोग हमसे डरते हैं। रॉकी का नाम पूरी बंबई में ही नहीं पूरे पश्चिमी तट पर भी सुनाई देने लगा है। दिन पूरा होने के बाद गिन के बताऊंगा। चल ये बताओ चलिए बंबई में सब